स्टेट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, एक बिल्कुल ही नई तरह की टेक्निक है जिसके कारण से किसी भी डॉक्टर्स के पास कोई भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बिना किसी रिपोर्ट के जाते हैं। और यहाँ पे एक कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो हम चेक करने के बाद किसी डॉक्टर से उसकी कंसल्टेशन होती है तो वहाँ पे एक इनिशियल सारा डाटा डॉक्टर को मिलता है, उसके बाद वो डायग्नोस करने में उन्हें सुविधा मिलती है। सिंस ये जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल ही नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि और किसी भी कंपनी ने मुझे देखी नहीं, और इनका जो कोलैबोरेशन अपोलो और साथ के साथ पांच और अन्य हॉस्पिटल के साथ में जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ओके किया हुआ है, इनके सारे टेस्ट पैरामीटर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई ये जो टेक्निक है हम इस थ्री टियर सिटी में ला करके यहाँ के लोगों को बाहर जो भी जिस तरह की सुविधा वो चिकित्सा के क्षेत्र में लेते हैं उन्हें हम उनके घर में ही ला करके देने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे चेक करवा के? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा उपलब्ध हो जाए, गरीब से गरीब आदमी का भी अच्छा ढंग से इलाज हो सके। इसमें लेकिन हम लोगों को बेनिफिट लग रहा है अच्छा कि जानबूझ के भी लोग जो डॉक्टर के पीछे भागे भागे फिरते हैं उससे तो कम से कम बचना पड़ेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको खुलने से लोग बहुत सहूलियत होगी और अच्छा से इलाज करवा पाएंगे, जैसा कि हमको यहाँ का रिपोर्ट मिला बहुत अच्छा लगा। उसमें भी बहुत कम खर्च में मंदिर को 100 रुपया में माँ बनी खर्चा दे रहा है और टेस्ट कराने का, इसमें सारा टेस्ट निकल जाता है। मशीन है और अभी तो फर्स्ट टाइम मैं चेक करवाया हूँ, जैसे बीपी में पहले से जाना मेरा इतना रहा था तो अभी सही दिखा है। मेरे विचार से अगर ये मेजरमेंट उसका सही रहता है और निश्चित रूप से कम मध्यम वर्गीय परिवार गरीब लोग रहे हुए ये बिजली का पत्थर साबित होगा और ये जगह जगह रहना भी चाहिए, लेकिन ये समय के साथ विश्वास जगेगा जब बाहर का मेजरमेंट ईसीजी कराया यहाँ का ईसीजी कराया हुआ यहाँ का बीपी बाहर का बीपी मैच करेगा तो लोगों का विश्वास जगेगा, और अगर ऐसा होता है तो बहुत सस्ते में गरीब लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।